नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। आपकी आवाज़ चंदौसी से मोहित भारद्वाज की रिपोर्ट। भारत का विकास परिषद शाखा चंदौसी के तत्वावधान में SM डिग्री कॉलेज चंदौसी में ओलंपिक दिवस के उपलक्ष्य में 1600 मीटर रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद, बालक बालिका वर्ग के खेलों का आयोजन किया गया। 1600 मीटर बालक वर्ग रेस में अभिषेक रोहतास कृष्ण ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में नंदिनी, अदिति और काजल ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद बालक वर्ग में विष्णु, लक्ष्य, दिवाकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद बालिका वर्ग में काजल, शिवानी, पूजा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रही। मुख्य अतिथि डॉक्टर दानवीर सिंह यादव, प्राचार्य SM डिग्री कॉलेज रहे। विशिष्ट अतिथि पंकज शर्मा, पूर्व चेयरमैन। मुख्य कोच सत्येंद्र यादव, सहायक कोच नेम सिंह, सत्येंद्र सिंह, फहीम रहे। कार्यक्रम संयोजक विक्रम सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सचिव डॉक्टर दुर्गा टंडन ने बताया कि यह कार्यक्रम बच्चों में खेलों की भावना का विकास करने के लिए किया गया है। हॉकी में हमारा देश लगातार मेरी इच्छा यह है कि यहाँ का हर एक बच्चा ओलंपिक के लिए तैयार हो और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करें, भारत का नाम जय हिंद जय भारत। क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, आपकी उपस्थिति क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मैं आशीष शर्मा, सचिव जनपद संबल ओलंपिक संघ। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूरा देश मना रहा है, हमारे जनपद के साथ साथ पूरा विश्व मना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर हम अपने जनपद संबल में अंतर जनपदीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जनपद संबल आर्म रेसलिंग एसोसिएशन का संबल ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। आज इस मौके पर हमारे जनपद के सभी विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र, मेडल, ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है।